हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? है ना, आई होप बहुत अच्छे हो गए आप लोग और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो मैं हूं अमित गिरी, मैथमेटिक्स फैकल्टी, IIT JEE मेंस एंड एडवांस। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े अब तक, बहुत सारे लेक्चर्स देखे मैथ्स के और बहुत सारा बेसिक्स हमने कवर किया। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अब हम एक्चुअल थोड़ा सा सिलेबस शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक से और हम IIT JEE की मैथमेटिक्स अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितना अब तक किया सब बेसिक था, बहुत बेसिक था, लेकिन कहीं ना कहीं JEE के लेवल तक हमने लगभग थोड़ी थोड़ी बातें की, तो उतना समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज मैं आपको आपके लिए जो चैप्टर नया स्टार्ट करूँगा उसका नाम है फंक्शन, है ना। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर मैं ऐसा बोलूँगा कि ये चैप्टर अगर जो बच्चा समझ जाता है फंक्शन ढंग से, सारे ग्राफ्स, बेसिकली पूरा मैथमेटिक्स इसी पर घूमता है। जो भी आपका IIT का मैथ्स है ना, वो सब इसी पर ही घूमता है। तो इसीलिए मैंने पहले से लिख के रखा है आप लोगों के लिए कि बेसिकली हम क्या करने वाले हैं। IIT JEE के लिए फंक्शन है और हम बेसिक ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम ग्राफ कवर करेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ग्राफ्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं पहली चीज़ बोलूँ कि फंक्शन चैप्टर ही जो है, इससे जो JEE में पोर्शन आता है JEE के लिए मेंस में, हर साल एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स। लेकिन इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से आगे के कम से कम, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे मैं नाम लूँ तो कम से कम पूरा कैलकुलस, जैसे पूरा कैलकुलस एक पूरा पार्ट है मैथमेटिक्स का, और इसके अंदर लगभग 25 to 30 मार्क्स का, 25 मार्क्स मान सकते हैं आपके लिए JEE के लिए आता है। और ये सब डिपेंड करेगा आपके इसी चैप्टर पर, फंक्शन पर और ग्राफ पर, यानी कि पूरा कैलकुलस इसी के अराउंड घूमता रहता है। तो इसीलिए हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फंक्शन क्या है और बेसिक ग्राफ्स क्या हैं, ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख रही होंगी सारी चीज़ें, फंक्शन और ग्राफ्स। तो पूरे फंक्शन और ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो है हमने कैटेगराइज किया है फंक्शंस को, किस तरह पढ़ेंगे वो भी चीज़ें बताई हैं। तो फंक्शन है, आप नोट कर सकते हो चीज़ें, तो ट्रांसडेंटल फंक्शन और अल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट दो कैटेगरी में किया गया। ट्रांसडेंटल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर लगभग, जैसे आपने फंक्शन पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आप जानते हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब पढ़ते रहते हो। एक्सपोनेंशियल याद आया आपको, e की पावर x वाला। लॉगरिथमिक भी इसी के अंदर आएगा, तो लॉगरिथमिक भी हमने लगभग कवर किया है। तो लॉग की भी प्रॉपर्टीज़ जानते हो, एक्सपोनेंशियल के बारे में भी जानते हो। मैं बताऊँगा, फिर से भी मैं बताऊँगा, इनके ग्राफ्स भी मैं बताऊँगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कर्व्स देखो बेटा, ये होते हैं जैसे कि आप पढ़ोगे आगे चलकर सर्कल ज्योमेट्रिकल कर्व्स में ही आता है। आप पढ़ोगे पैराबोला, क्या पढ़ोगे, पैराबोला, हाइपरबोला, पूरा बेसिकली आप ऐसा समझो कि मैंने जो यहाँ पर आज लिखा है आपके लिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी मैथमेटिक्स है आपकी, पूरी मैथ्स है। मतलब ये ज्योमेट्रिकल कर्व्स के अंदर आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, इसी को ही हम नाम दे सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये बेसिकली पहला आपको पूरा लिखना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ अलग चौक से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा ही टॉपिक है। और इसके अंदर भी लगभग 20 to 25 मार्क्स का पूछा जाता है मार्क्स JEE में। तो इसीलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कर्व्स की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, कौन कौन से ज्योमेट्रिकल कर्व्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसा ग्राफ बनता है उनका। अगला आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी अपने आप में पूरा एक चैप्टर है ना। लगभग जितनी भी चीज़ें लगाई हैं ये पूरा ही मैथ्स है JEE के लिए, ऐसा समझ सकते हो आप, यही हम पढ़ते रहते हैं पूरे 2 साल। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। तो ये फंक्शंस हम पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लिए, कुछ बाकी हैं, पूरे बेसिकली चैप्टर हैं अपने आप में। ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ही है आपका, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर आते हैं अल्जेब्रिक फंक्शन पे। अल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर आप बात करोगे पॉलीनोमियल फंक्शन की, रेशनल फंक्शन की
और इरेशनल फंक्शन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन पे अपना जिक्र हुआ है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप? इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हमने बात की थी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे हम, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जो मैंने आपको बेसिक में थोड़ा सा पढ़ाया। तो चीज़ें मैं आज बस ये बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, ताकि आप चीज़ों को रिलेट करो कि पूरा मैथ्स है क्या और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिकली जिस दिन आप क्लास में आओगे आपको सिलेबस भी मिलेगा। फिर आता है रेशनल फंक्शन, भी इसी का ही पार्ट है। इरेशनल फंक्शन क्या होता है वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, इम्पॉर्टेंट जेई वाले पिछले कई सालों से इन फंक्शंस पर ज़्यादा बात करते हैं और इन्हीं फंक्शंस पर क्वेश्चंस देते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हो, पढ़ोगे आगे चलकर इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ऐसे चैप्टर्स के नाम हैं जिनके अंदर वो इन्हीं के ही क्वेश्चंस आपको रखते हैं। पहले वो ये इधर से पूछा करते थे, जानना इनको भी ज़रूरी है, ये भी मैथ्स का ही पार्ट है। लेकिन आजकल उनका ट्रेंड है कि ये क्वेश्चंस, इनकी समझ अगर बच्चे को है तो वो चाहते हैं कि वो ऐसा बच्चा उनको IIT में मिल जाए, ठीक है। तो हम ऐसे फंक्शंस को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको ज़्यादा ध्यान देंगे। पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं इनको। पीस वाइज फंक्शन के अंदर पहला आएगा आपका मॉडुलस फंक्शन, जिस पर हमारी चर्चा हुई है थोड़ी सी। मैं बोलूं कि पूरी हुई क्या, तो पूरी तो नहीं, लेकिन बेसिक मॉडुलस फंक्शन के बारे में जितना भी मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा बताया फिर भी हमने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट आएगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है ये भी हम आगे जानेंगे। सिग्नम फंक्शन पीस वाइज फंक्शन के अंदर ही आता है। अगला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF इन शॉर्ट बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF बोल देते हैं शॉर्ट में, और लास्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी इतनी फिलहाल ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली ये चार तो हमारे लिए समझ लो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर साल कम से कम इन्हीं फंक्शन को जो नहीं पढ़ता और उन्हीं बच्चों का लगभग कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस में फंसते हैं। ये फंक्शंस की समझ अगर आपको हो गई, लगभग आपने 1/3 मैथमेटिक्स कवर कर दिया JEE का, जो कि क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप चार्ट बना लो, पूरा अच्छे से लिख लो, और हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे। और आज बेसिकली इंट्रो क्लास है, और बेसिकली हम किस तरह मैथमेटिक्स को फिनिश करते हैं वो सब बातें करूँगा मैं। आज कुछ नहीं पढ़ूँगा, तो अगले लेक्चर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप बना लो आराम से, ठीक है। आज सिर्फ हम IIT JEE की बात करेंगे और अपने मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने, पॉज करके भी लिख सकते हो, तो मैं मिटा दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है भाई, ओके। तो अब मैं बात करता हूं कि हमारा अभी JEE का जो पोर्शन है, JEE में किस तरह से पेपर आता है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो IIT JEE की बात करते हैं, मेंस प्लस एडवांस, ठीक है भाई। हमें टारगेट करना है इतना, CET ऑटोमेटिक इसमें होता है, और जो बच्चे बोर्ड प्रिपेयर करेंगे, बोर्ड बहुत बेसिक है, बोर्ड की भी प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना, बोर्ड बेसिक। अब हमें क्या क्या पढ़ना है IIT JEE के लिए, तो पहले पेपर की बात कर लेते हैं, JEE मेंस का पेपर, JEE मेंस एग्ज़ाम। तो भाई JEE मेंस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, आप सभी को पता है हर साल दो बार अभी किया जा रहा है, पैटर्न को चेंज किया है। 25 जो मैथ्स का सेक्शन है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स जो इसमें पूछा जाता है वो आता है 25 क्वेश्चंस का, जिसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं। आप अगर पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस, एंड 20 ऑप्शन बेस्ड, है ना, ऑप्शनल, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस गिवन रहते हैं, तो 20 क्वेश्चन इस तरह आते हैं। इधर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उधर निगेटिव मार्किंग होती है। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चंस होते हैं, मार्किंग इनकी होती है 100 मार्क्स पर क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और ये चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़, अब IIT के मैथमेटिक्स पोर्शन में हमें सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, पहले ओरल बात करते हैं। मैथमेटिक्स JEE, ठीक है, आओ बात करते हैं। तो JEE में जो मैथमेटिक्स है, मैंने बेसिकली 5 चीज़ों में लगभग इनको बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं पोर्शंस में, जो पार्ट हैं मैथ्स के उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। तो वो कौन से 5 पार्ट हैं, तो सबसे पहले
मैं जो जिसका ज़्यादा वेटेज है उसी अकॉर्डिंग रखूँगा। तो पहले आप पढ़ते हो अलजेब्रा, अलजेब्रा आएगा उसके अंदर, उसके बाद कैलकुलस, और उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बाद आप पढ़ोगे 3D एंड वेक्टर, वेक्टर एंड 3D, थ्री डायमेंशनल इसे बोल सकते हैं, थ्री डायमेंशन बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल। और नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली पांच चीज़ों में मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ पूरे मैथमेटिक्स को जो जेई के लिए आप पढ़ने वाले हो, जिसमें अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर भी 7-8 चैप्टर रहेंगे, 8-8 टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन, बायनोमियल थ्योरम, बहुत सारे हैं, आपको सिलेबस हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अलजेब्रा का अगर वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है, 30+ मार्क्स का यहीं से आपको कवर होगा जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए, है ना। सारे लगभग बच्चों को लगभग अलजेब्रा ही टफ लगता है। कैलकुलस बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मतलब बढ़िया पार्ट है। तो कैलकुलस का भी जो वेटेज रहता है वो 20-25 के बीच में रहेगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट जो रहेगा वो 15-25 या 20 के बीच में रहेगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ ये तीन अगर पार्ट आपने कवर कर लिए तो आपने 80% मैथ्स कवर कर लिया। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले टारगेट करता हूँ इन्हीं तीनों को, ठीक है ना। हम लास्ट में अगर इसकी बात करें तो इससे लगभग एक क्वेश्चन या टू क्वेश्चन आता है, मतलब अगर बात करें तो 8 मार्क्स आप समझ सकते हो, 8 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स वरना एक ही क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि इधर से भी 8 मार्क्स। तो वही मैंने बोला कि लगभग 8-16 मार्क्स इधर से और 80% यहाँ से, लगभग 80 मार्क्स यहाँ से कवर होंगे आपके, ऐसा समझ सकते हो। यानी कि इन तीनों टॉपिक्स को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, है ना भाई, बहुत अच्छे से कर लिया, तो भी आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो जेई मेन्स का, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए भी तीनों चैप्टर्स पढ़ने और इनकी समझ बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मेरे टारगेट जो एरियाज रहते हैं वो यही तीन टॉपिक रहते हैं, तीन पार्ट रहते हैं। मैं बाद में ये भी पढ़ाता हूँ लेकिन लास्ट में, ठीक है। हमें पहले मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करनी होती है ना, और कहीं ना कहीं इन पर ही बेस्ड, इन पर इनकी कहानी चलती है। और ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली वैसे भी आपने लगभग पढ़ा हुआ होता है, बेसिक है, बस थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था वो आपने नहीं सुना होगा, वो मैं बताऊँगा आपको, वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख के रख सकते हो कहीं ना कहीं आपके अलग नोटबुक में, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें कितना पढ़ना है और क्या चीज़ें करनी है। अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कैलकुलस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और कैलकुलस के अंदर ही पहला टॉपिक हम फंक्शन उठाएंगे, तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आते हैं सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स, स्ट्रेट लाइन इसी के अंदर आता है। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थ्री डायमेंशनल क्या होता है मैं बताऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री भी आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप नोट करके रखो, बाकी सिलेबस आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो और बाद में हम भी देंगे आपको पूरा एकेडमिक प्लानर बनाकर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, मैथमेटिक्स जेई। अभी बच्चों के दिमाग में एक और डाउट आता है कि सर जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो एडवांस और जेई मेंस में क्या फ़र्क है। तो बस मैं उनको इतनी चीज़ें बताऊंगा कि जेई मेंस का जैसे पेपर है आपके पास, जैसे बच्चों को डाउट आता है जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है ना भाई, इसमें लगभग आप पढ़ोगे ऑन एन एवरेज 28-30 टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो, है ना भाई, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो मैं बाद में बताऊंगा कि भी ये इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो लगभग ऐसा देखा गया है कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन, मेंस की बात कर रहा हूँ, वन क्वेश्चन। तो इसीलिए लगभग 25 क्वेश्चन भी डिजाइन किए गए, तो आप समझ सकते हो कि 25 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं पहले। तो वही मैं पढ़ाऊंगा आपको, 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ से हर टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एडवांस में क्या रहता है, एडवांस अगर आप जेई मेंस बहुत अच्छे से कर पाते हो, हमारा मानना है या हमारा एनालिसिस है कि जो बच्चे 97% से ऊपर, परसेंटाइल से ऊपर लेके आते हैं, या जो 99% वाले बच्चे होते हैं मेंस में,
उनका लगभग 99% प्रोबेबिलिटी होता है कि वो एडवांस क्रैक करते हैं, एडवांस्ड, क्योंकि इनकी समझ बहुत अच्छी हो चुकी होती है। बेसिकली आपको आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इन सब्जेक्ट्स की समझ ज़्यादा अपनी विकसित करनी है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बेसिकली डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमारी हम अच्छे टीचर्स भी हैं यहाँ पर, और आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या रहता है, एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े मिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो उसमें क्या होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री पर भी बात कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कोई क्वेश्चन डिजाइन करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट होगा, जिसमें अलजेब्रा का भी पार्ट होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट होगा, इस तरह से मिक्स प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं आपका पूरा मैथमेटिक्स डील करूँगा, और जेई मेंस और एडवांस के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको मुश्किल आएगी। बस आप चीज़ें ध्यान से पढ़ते रहना मेरे लेक्चर में, और जितना भी मैं असाइनमेंट्स या प्रैक्टिस करवाऊँगा वो आप बहुत ध्यान से करना। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे से करोगे और हम क्रैक करेंगे जेई मेंस, कोई बड़ी बात नहीं है जेई मेंस क्रैक करना, ठीक है। अगर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगर किसी को जेई मेंस या इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स से डाउट हो, पहली चीज़ बोलूँगा आप लोग सिलेबस डाउनलोड करके रख सकते हो आपके पास, जेई मेंस का क्या सिलेबस है, जेई एडवांस का क्या सिलेबस है, पूरी तरह से जहाँ आप पढ़ते हो टेबल पे वहाँ पर चिपका के रखो, लगा के रखो। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते जाएंगे तो आपको पूरी तरह देखना है कि हम टॉपिक्स कवर भी कैसे करेंगे। देखो हमारा स्टाइल क्या रहेगा टॉपिक पढ़ाने का, जैसे कि कोई भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया आपको, ठीक है, तो हम उसकी कंसेप्ट्स पे ही डायरेक्ट बात करते हैं, कंसेप्ट्स विद क्वेश्चंस। मतलब ये मैं कराऊंगा आपको, आपको कंसेप्ट्स मतलब थीरी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं करवाऊंगा आपको। हमारा तरीका क्या रहता है पढ़ाने का, बेसिकली विद क्वेश्चंस चलता है, तो आपको लगभग 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, इवन मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं कराऊंगा आपको बोर्ड पर, बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लिख के करवाऊंगा। दूसरी चीज़, कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे से लिखवाता हूँ, कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाता मैं, जो डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें होती हैं वो बातें करता हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए मोशन का स्टडी मटेरियल है हमारे पास, हम वो फॉलो करेंगे, है ना। ये किट्स आपको मिल जाएंगी जल्दी ही, ठीक है ना, मोशन के स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे। इसी से असाइनमेंट्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 300 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जो कि असाइनमेंट्स के थ्रू और ये सब चीज़ों से हम करेंगे, है ना। और तीसरी चीज़ आएगी लास्ट, जब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, इतना सब हम करेंगे, बीच बीच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाता हूँ, तो इतना करने के बाद आपको हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मेंस और एडवांस में अब तक पूछे गए हैं, मेंस मेन और एडवांस्ड में पूछे गए हैं, ठीक है भाई। बेसिकली 42 ईयर्स हो गए हैं, 42 साल हो गए हैं कि IIT का एग्ज़ाम हो रहा है, तब से लगाकर इन लोगों ने कम से कम 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस एक टॉपिक को पूछे, आस्क क्वेश्चंस टिल नाउ। तो आप अभी आप देख सकते हो कि लगभग एक चैप्टर को हम किस तरह कवर करेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जब स्टार्ट होगा हमारा, पहला लेक्चर होगा, तो बहुत बेसिक से चलेंगे। बेसिक वैसे भी मैंने ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी चीज़ें, क्योंकि नए बच्चे भी रहेंगे क्लास में, थोड़े पुराने भी रहेंगे, तो हम बहुत बेसिक से ही बात करेंगे, तो नए जो बच्चे रहेंगे उनको तो समझ में आएगा, पुराने बच्चों का रिवीजन होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो कंसेप्ट्स विद क्वेश्चंस थीरी बहुत अच्छे से होगी। मैं बेसिकली ये लेक्चर बनाने का मेरा यही मोटिव था कि आपको चीज़ें समझाऊँ मैं कि हम किस तरीके से आपको प्रिपेयर कराने वाले हैं और क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर लगभग हम सारे क्लास में ही सॉल्व करेंगे, हम और आप मिलकर, मेंस एंड एडवांस दोनों के ही बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे, तो ऑन एन एवरेज मुझे जितना लगता है कि 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे एक टॉपिक को। ये बस इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप वो क्वेश्चन उस टॉपिक का मत छोड़ो, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको डायरेक्ट आंसर क्लिक हो और आपको लगे। इवन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मेरे टॉपिक्स अगर आपने ध्यान से पढ़े तो आपको 80% क्वेश्चन पेपर में जेई मेंस सिमिलर फंसेगा, सिमिलर इन एग्जाम,
मेरे ही नोट से, मेरे ही करवाए हुए क्वेश्चन से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उसी से 80% से भी ज़्यादा हमारा पेपर फंसता है मैथ्स का। तो आप आसानी से, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जो बहुत अच्छे से मेरे साथ चलेंगे वो आराम से 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन मैथ्स। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैथ्स की ही दम पर आप जेई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस साथ में रहना, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, चीज़ों की समझ हमें बढ़ानी है। मैं फिर से बोलूँगा, हमें ज़्यादा क्या होता है ज्ञानी नहीं बनना, हमें टू द पॉइंट बातें करनी है और जितना जेई का सिलेबस है उसके हिसाब से काम करना है। तो इसलिए मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि आप लोग इंटरनेट से, नेट से जेई मेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लो, एडवांस का सिलेबस डाउनलोड कर लो, क्योंकि बेसिकली जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको टारगेट कर रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है, उसका पोर्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें अंदर पढ़नी है। क्योंकि आईआईटी जेई का आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आउट ऑफ सिलेबस जाके उन्होंने बात की हो, वो कभी नहीं पूछते। जितना सिलेबस मेंशन होता है उसी से पूछी जाती हैं चीज़ें। तो उतना सिलेबस हमें पहले कंप्लीट करना है प्रैक्टिस के साथ, बहुत अच्छे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, कुछ परेशान होने की बात नहीं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और आप तब तक ये काम करके रखो मैंने जो बताया है। हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन वापस, जितना भी हुआ इंट्रोडक्शन वो आप लिख के रखो चार्ट बना के, और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आप आपके दिमाग में रखो या फिर कहीं नोटबुक में लिख के रखो, और लगभग ये चीज़ें लगभग आप देखते रहो। और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, अगर आपको वहाँ से इवन जेई के सिलेबस के बारे में भी बातें की गई हैं, एनवी सर ने भी की हैं बातें, वो भी लेक्चर्स देख सकते हो। तो बेसिक चीज़ ये है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस डाउनलोड कर लो, बाकी हम देंगे आपको सिलेबस क्लास में जब आओगे, तब तक के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।